देखो इस प्रॉब्लम को देखो, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गठरी में से। तो ताश के इस पत्ते को जब हम लोग फेंटेंगे तो क्या स्थिति होगी, कौन पत्ता कहाँ है कुछ पता चलेगा नहीं नहीं पता चलेगा। तो अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित करें। हिसाब अधूरा लिख दिया था। 52 पत्ती को जब हम लोग मान लो फेंटेंगे तो कौन कहाँ जाएगा कुछ पता चलेगा। नहीं तो अच्छी प्रकार से फेंटी गई यानी 8 बार 10 बार इसको फेंट दो तो 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। फेंट करके अच्छी तरह एक खींच लो, ये कौन कौन पत्ती हो सकता है। तो कहता है एक्का होने की प्रायिकता क्या है, एक एक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या है। दोनों बात को देखो, एक्का सिर्फ किसी खास एक्का के बारे में नहीं दिया है, जो चीरी का एक्का या मान लो हर्ट लाल पान का एक्का या स्याही का एक्का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्याही को काला पान जी। स्पेड इंग्लिश में, काला पान का एक्का 4 एक्का होता है ना। तो सिर्फ इतनी ही बात को पूछ रहा है, अगर ताश के 52 पत्ती को हम लोग अच्छी तरह फेंट दे तो इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता एक एक्का होगा। पहले पहला पॉइंट पर आओ, क्या चांस एक्का होने की बनता है बोलो। 4/52 एक एक का हुआ 4/52। तो देखो माना कि एक एक एक्का होगा, एक इक्का, माना कि एक इक्का होने की घटना का कुछ नाम दोगे। एक्का होने की घटना यानी काम होने की घटना को हम किसी नाम से पुकार हुआ ना, होने की घटना को हम ए कहेंगे। तो ए के अनुकूल यानी एक्का होने के अनुकूल कुल कितनी घटना घट सकती है, तो ये लिखेंगे। तो ए के अनुकूल घटनाओं की संख्या, यहीं पर सोचने वाली बात आ जाती है, घटनाओं की संख्या कितनी होगी। चलो ब्रेन लगाओ। 4 1 का होता है 4 होगा। देखो ये हो गया 52 पत्ता है ना टोटल, तो इस तरह से पहला दूसरा तीसरा मान लो ये 50वां 51वां 52वां पत्ता है। तो फेंट दिए जाने के बाद कितना कुल यक्का है, तो 4 यक्का है। तो 52 पत्ती में से कोई भी एक पत्ती हो सकता है। तो कहता है एक्का होने की क्या उम्मीद है यानी प्रायिकता है संभावना है। तो ऐसा भी हो सकता है जो लाल पान का ये हर्ट का एक्का 52 पत्ती को फेंट देंगे तो ऐसी भी संभावना है जो हर्ट का एक्का आने की संभावना एक बार बन रही है, बन रही है, हो सकता है आ जाए। तो हर्ट के एक्का के खींचे जाने की घटना एक बार घट सकती है। उसी तरह डायमंड का भी तो एक्का है, ईट का है ना जी, डायमंड का भी एक्का है। इसके बाद आ जाओ ये चीरी कलब, कलब का भी एक ठो एक्का है, सबका एक एक एक्का है। अब फिर आ जाओ स्पेड यानी काला पान, स्पेड का भी एक एक्का है। तो 52 पत्ती में कुल 4 एक्का है। तो एक पत्ती को खींचते हैं अगर तो हो सकता है हर्ट का एक्का आ जाए, हर्ट के एक्का आने की प्रोबेबिलिटी
मतलब होने की घटना एक बार घट सकती है, घट सकती है तो एक बार ये इसके आने की घटना घट सकती है, हो सकता है डायमंड के आने की भी घटना घट जाए, यही खींचा जाए बावन पत्ती में से तो डायमंड के अक्का आने की एक घटना घट सकती है। फिर आ जाओ, ऐसा हो सकता है कलब का ही चिड़ी का ही अक्का आ जाए, एक घटना ये भी घट सकती है अक्का आने की। हो सकता है कालापान स्पेड का अक्का आ जाए, इसके आने की भी घटना घट सकती है एक। तो कुल घटनाओं की संख्या, अब कुल घटना नहीं एक के अनुकूल यानी एक आने के अनुकूल घटनाओं की संख्या चार घट सकती है। इसके बाद कुल घटनाओं की संख्या कितनी होगी, बोलो तो। बावन पत्ता है तो इसमें से कौन खींचा जाएगा, नहीं एक्का भी खींचा सकता है, दुगी भी खींचा सकता है, है ना जी। यानी बावन पत्ती में से कोई एक पत्ती आ सकता है तो कुल बावन घटना घटेगी, जिसमें से तेरह घटना घट सकती है। लाल पान का एक्का आवे या लाल पान का दुग्गी आवे घटना नंबर दो, घटना नंबर तीन लाल पान का तिग्गी आ जाए घटना नंबर चार, लाल पान का चोगी आ जाए तो लाल पान में ही तेरह पत्ती होते हैं हर्ट में, तो तेरह घटना तो यही घट सकती है। फिर तेरह घटना स्पेड में घट सकती है, काला पान में कोई भी पत्ती आ सकता है तो तेरह तेरह छब्बीस। चीरी का भी तो इक्का से लेकर के दस्ता का, फिर आ जाओ क्वीन किंग और जैक गुलाम, तेरह घटना तो चीरी में भी घट सकती है। तो चारों ग्रुप में तेरह तेरह घटना घट करके कुल बावन घटना यानी बावन पत्ती जो होते हैं तो कोई भी पत्ती खींचा जा सकता है, किसी भी पत्ती के आने की संभावना एक बार तो बनती है, तो बावन पत्ती है तो बावन संभावना बन रही है, बावन तरह की घटनाएं कुल घट सकती है जी। तो कुल घटनाओं की संख्या बावन, कैसे बावन हुआ सो समझा ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी प्रायिकता ऑफ ए, तक्का आने की प्रायिकता ए के अनुकूल, ए के अनुकूल घटनाओं की संख्या, फॉर्मूला याद है ना, बटा प्रयोग के सभी संभावित घटनाओं की संख्या। एक अनुकूल कितना है, चार, चार है ना, प्रयोग के कुल घटनाओं की संख्या बावन, प्रयोग के सभी संभावित घटनाओं की संख्या तो कट करके हो गया एक बटा तेरह चौका बावन, तेरह भगवान जी आंसर। इसको तू लोग समझे, उतारो चलो दूसरा पार्ट देखो। एक एक्का नहीं होगा यानी अच्छी प्रकार से फेंटी गई बावन पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता प्रकलित करे यानी ज्ञात करे, इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कि वह निकाला गया पत्ती एक्का नहीं होगा। तो इसको दो विधि से देख लो, नहीं
इससे पहले वाला पाठ में किसे व्यक्त किए थे नाम? ऐसे माना कि एक्का होने की घटना को हम ऐसे व्यक्त करते हैं। होने की घटना को ऐसे व्यक्त करते हैं। तो पिछला पाठ याद करो तो वर्षा होने की घटना को अगर आर मानते थे तो वर्षा नहीं होने की घटना को आर मानते थे, आर पर रेफरिंग यानी वर्षा नहीं होने की घटना, यह ना जी। दोनों का योग कितना? ये याद है ना तुम लोगों को? मान लो वर्षा होने की प्राय घटना को आर मानेंगे तो वर्षा नहीं होने की घटना को आर के ऊपर रेकरिंग दे दो तो इसका अर्थ हुआ वर्षा नहीं होने की घटना, है ना? सब मालूम? तो इसके अनुसार एकता होने की घटना को हम ऐसे व्यक्त करेंगे तो नहीं होने की घटना को किसे व्यक्त करेंगे? ए डैश। तो ए पर रेफरिंग डालेंगे, मतलब एक का नहीं होने घटना को ए डैश होगी जी। होगी जी। अब थोड़ा पीछे लौटो। चित आने की संभावना 1/2 होती थी एक सिक्के को उछाले जाने पर, और पट आने की चित आने की घटना को अगर ई से व्यक्त करो जी। तो चित नहीं आने की घटना को ई डैश से व्यक्त करते थे और दोनों का योग 1 के बराबर होता था। पता था जी। चित आने की घटना का आंसर निकलता था 1/2। तो चित आने की घटना जोड़ चित नहीं आने की घटना की प्रायिकता बराबर 1 होता है, ऐसा होता है ना जी। तो इसी तरह एक्का आने की घटना जोड़ एक्का नहीं आने की घटना बराबर 1 होगा जी। पिछले पार्ट में ये सब रौंद करके बतला दिया गया है, ऐसा हुआ जी। तो लिख सकते हैं आता एक्का आने की प्रायिकता जोड़ आने की प्रायिकता जोर एक्का नहीं आने की प्रायिकता बराबर 1 होगा ना जी। एक्का आने की प्रायिकता, एक्का आने की घटना को हम ए से व्यक्त किए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी एक्का आने की घटना की प्रायिकता जोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यानी एक्का नहीं आने की प्रायिकता बराबर 1। और पहला हिसाब में इसका मान कितना निकला है? एक्का आने की प्रायिकता 1/13। तो 1/13 जोर एक्का नहीं आने की प्रायिकता बराबर 1। अब तो ये क्वेश्चन हो गया जी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर 1 - 1/13 ये हो गया तुमको 13 - 1 = 12/13। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यानी एक्का नहीं आने की घटना कितनी होगी? 12/13। एक्का नहीं आने के की प्रायिकता होगी 12/13, यही हो गया आंसर। तो पहली विधि यह है, इसको समझा? तो पहली विधि है, इसको उतारो तब दूसरी विधि बतलाते हैं।
चलो देखो लंबी दूसरी विधि देखो, एक एक्का नहीं होगा, ताश में कुल कितने पत्ती? 52 पत्ती को अच्छी तरह से फेंट दिया जाए और कोई एक पत्ती अगर खींचा जाए तो एक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक्का जो ये पत्ती होता है तो क्लब में, स्पेड में यानी चीरी में, लालपान में, हॉट में कालापान, स्पेड में और डायमंड में, चारों में एक्का होता है ना जी। तो ताश के 52 पत्ती को अच्छी तरह फेंटे जाने पर चार तरह के एक्का होते हैं, इसीलिए एक्का होने की घटनाएं चार बार घट सकती है जी। कहाँ तक पढ़ लो तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना नहीं। क्योंकि ताश के 52 पत्ते में चार तरह के एक्का होते हैं, वास्तव में होते हैं चीरी का एक्का, लालपान का एक्का, डायमंड का एक्का, हुकुम का एक्का। ताश के 52 पत्ते में चार तरह के एक्का होते हैं, अतः एक एक्का खींचे जाने पर चारों एक्का के आने की घटना एक एक बार हो सकती है, इसलिए एक्का के खींचे जाने की घटनाओं की संख्या चार हो सकता है। लालपान का एक्का हो जाए एक घटना, हो सकता है कालापान का एक्का खींचा जाए दो, ऐसा भी हो सकता है चीरी का आ जाए तीन घटना, ऐसा भी हो सकता है डायमंड का आ जाए, चार घटना घट सकती है। तो एक्का के खींचे जाने की घटनाओं की संख्या चार, एक्का के आने की घटनाओं की संख्या खींचे जाने की, एक्का के आने की घटनाओं की संख्या चार, इसलिए एक्का के नहीं आने की घटनाओं की संख्या कितनी होगी? बोलो सोच कर। 52 पत्ती में से कोई भी पत्ती आ सकता है, चार ये चारों एक्का के मतलब एक्का के आने की घटना चार बार हो सकती है, चार तरह का हो सकता है ना। दुग्गी के आने की चार घटनाएं घट सकती है, लालपान का दुग्गी आ सकता है, ईंट का दुग्गी आ सकता है,
हुकुम का दुगी आ सकता है, डायमंड का दुगी आ सकता है, यानी किसी भी एक ही तरह के पत्ती दुगी खींचेंगे तो इसकी चार घटनाएं घटेगी, यक्का खींचेंगे तो चार, अगर क्वीन को खींचेंगे तो इसकी भी चार घटनाएं होगी, क्योंकि हर एक ग्रुप में एक ही टाइप का, एक्का है तो चार एक्का है, बीबी है तो चार बीबी है, बेगम है, बादशाह है तो चार बादशाह है, तो टोटल घटना 52 होगा। भगवान जी ताश के पत्ती को खींचेंगे फेंटेंगे और कोई एक पत्ती खींचेंगे तो किसी के भी आने की संभावना बनती है, तो अब दहलाएगा तो इसकी संभावना कितनी बनती है, चार बार आ सकता है, चारों में से कोई आ सकता है, घटना तो चार घट सकती है, लाल पान के दहला आने की घटना हो सकती है तो घटना नंबर एक, काला पान के आने की घटना होगी दहला तो ये भी हो सकता है घटना नंबर दो, तो टोटल 52 तरह की जो घटना घटेगी, एक पत्ती खींचेंगे तो 52 पत्ती में कोई भी पत्ती के साथ घटना होगी तो चार बार होगी, क्योंकि 13 तरह के ही पत्ती होते हैं, इस बात को समझ रहे हो। अगर कहेगा एक्का के जगह गुलाम के आने की घटना की संख्या कितनी होगी, चार, तो हो सकता है लाल हट का गुलाम आ जाए तो एक घटना तो ये भी घट सकती है, हो सकता है चिड़ी का गुलाम आ जाए तो गुलाम आने की घटना की संख्या दो, हो सकता है जो तुमको क्लब का आ जाए, चिड़ी का ये हट का आ जाए, चार तरह के पत्ती है तो एक ही टाइप का चार पत्ती होता है, एक्का है तो चारों में है, तो एक्का आने की घटना चार बार घट सकती है, ये घटनाओं की संख्या चार, तो हरेक पत्ती के आने की घटनाओं की संख्या तो चार बार होती है जी। तो एक्का आने की घटनाओं की संख्या चार है, तो एक्का के नहीं आने की घटनाओं की संख्या टोटल घटना 52, इसमें से चार घटा दो तो 48 होगा, बोलो जी। एक्का के नहीं आने की घटनाओं की संख्या बराबर कुल घटनाओं की संख्या यानी 52 कुल घटनाओं की संख्या माइनस एक्का के नहीं आने की घटना, कुल घटनाओं की संख्या माइनस एक्का आने की घटनाओं की संख्या, निकाल रहे हैं एक्का के नहीं आने की घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या में से एक्का आने की घटनाओं की संख्या घटा देंगे तो एक्का के नहीं आने की घटनाओं की संख्या होगा, कंफ्यूजन है तो बोलो नहीं ना, कुल घटनाओं की संख्या माइनस एक्का आने की घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या 52 एक्का आने की घटनाओं की संख्या चार बराबर 48। अब मान लो एक्का के नहीं आने की घटना को कुछ नाम देंगे, माना कि एक्का बी से व्यक्त करे तो एक्का नहीं आने की घटना को हम बी से व्यक्त कर रहे हैं तो लिखेंगे पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर बी के अनुकूल घटना, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा प्रयोग में आने वाली सभी घटनाओं की संख्या, सभी घटनाओं की संख्या एक्का के नहीं आने की घटनाओं की संख्या कितना है, 48 है ना, एक्का आने की घटनाओं की संख्या तो बी हम माने हैं एक्का नहीं आने की घटनाओं की संख्या, याद करो
जी किसको माने हैं, एक्का नहीं आने की घटनाओं को हम भी से व्यक्त करेंगे। एक्का के नहीं आने की घटनाओं की संख्या कितना है, 48 निकला है। यहाँ तो होगा कुल घटनाओं की संख्या, होगा ना, प्रयोग के कुल घटनाओं की संख्या बी के अनुकूल घटनाओं की संख्या। बी किसको माने हैं, एक्का नहीं आने की घटना को हम लोग माने हैं, माने है ना, एक्का नहीं आने की घटना को बी माने हैं। तो एक्का के नहीं आने की घटनाओं की संख्या 48 है, यानी बी के अनुकूल घटनाओं की संख्या 48 होगा। 48 प्रयोग के कुल घटनाओं की संख्या 52 इसको काटो, 4 से काटेंगे तो 12 आइए 13 12/13 आंसर। पहली विधि में भी इतना निकला था, इसमें बोलो तो कहीं कंफ्यूजन नहीं ना है, नहीं। तो इस पार्ट में इतनी ही बात रहने दो।